जबरदस्त मौसम हो रहा है, कहीं पीछे और इनकी तो तारीख है कीड़थर के पहाड़ों के चुमना। बिलाखिर हम लोग लुही के मुकाम तक पहुंच गए काफी, और मजीद हैरत अंगेज नज़ारे दिखा सकूं। कैंप की तरफ जाए या घर की तरफ जाए, नबील भाई का पाँव जल गया है। पाँव दिखाएंगे नबील भाई कहाँ, शायद हम घर ना जा सकें, हमें यहीं पे गुजारा करना पड़े आज की रात। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। बिलाखिर हम लोग अपने सफ़र पर निकल चुके हैं, रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी मिला है और हमारे पीछे पूरे रोडों के ऊपर पानी भरा हुआ है। अभी हमारा सफ़र जारी है, अभी तो हमने सिर्फ 10% ही सफ़र किया है और मज़ीद आगे जाना है, तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, आगे दिखाते हैं आज के नज़ारे। ये नॉर्दर्न बाईपास का नज़ारा है, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं ताकि नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकें। बिलाआख़िर हम लोग अपने सफ़र में निकल चुके हैं। रिजवान भाई को कल काफ़ी धचका लगा था, मगर आज उनके नसीब से उनके ऑफिस की छुट्टी हुई, फिर हमने जल्दी जल्दी प्रोग्राम बनाया और निकले हैं। और हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ नबील भाई ने, एज़ यूजुअल हमारे बड़े हैं। इंशाल्लाह आपको आने वाले नज़ारे दिखाते रहेंगे हमारे साथ इस नाज़रीन। इस मुकाम पर पहुंचकर तो बिल्कुल ऐसा लगा कि हम गोया जन्नत के किसी टुकड़े में आ गए हैं, ना कोई बदबू ना कोई पिसान। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और पहाड़ों में कहीं दूर बारिश हो रही है। कीड़थर फिर से हरा भरा हो चुका है। रास्ते में ये किसी की गायें बैठी हुई हैं और ये 2023 की कुर्बानी के सीज़न की गायें। ये नबील भाई और रिजवान भाई ऑफ रोडिंग के मज़े करते हुए। कुदरत के कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं कि उनमें हमें बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ उनको देखना चाहिए। बरसात के बाद जंगल में बीर बूटियां निकल आईं। लाओ थैली लेकर आओ, इसको घर लेके जाऊंगा। नहीं कोई है, इशी इशी इशी। बच्चों को दिखाई दे, हमारे बच्चे। अबे लेकर आओ बच्चों को। बरसात के बाद कीड़थर सरसब्ज़ और शादाब हो गया है और आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं। कीड़थर घूमने का सही मज़ा मानसून के मौसम में ही आता है, जब बारिश हो चुकी हो तो आप कीड़थर निकल जाएं। यूनिवर्सिटी में बारिश हुई 2003 में, इतनी बारिश हुई थी 2003 में, इससे भी ज़्यादा 2020 वाली बारिश। नहीं, इससे ज़्यादा नहीं थी, ये ज़्यादा हुई है। 2020 वाली सबसे ज़्यादा थी और फिर ये अभी सबसे ज़्यादा हुई है। वो भाई यूनिवर्सिटी जंगल बन गई पूरा। हम लोग गए ना जून जुलाई में, बारिश हुई अगस्त। जंगल में गांव देहात में कभी भी ऐसी रुकावट अगर लगी हुई हो तो इसका मतलब ये है कि आगे रास्ता टूटा हुआ है और आप डाइवर्जन यानी कि उसके दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये रास्ता यहाँ से जा रहा है, घूम के उधर की तरफ आएगा। पानी पार कैसे करें, ऊपर से देख ले क्या करना है, देख के नहीं ऊपर से देखें, कोई है चांस? नहीं, वो गया तो है, आ सकते हो। उतर के उतारो। आ जाओ आ जाओ, सिलो सिलो।
हमारा प्रोग्राम चेंज हुआ है और हम जा रहे हैं लूही की तरफ, और पीछे साउथ भाई और उनका भाई रह गए हैं, और इसके बाद थद्दो या फिर वापस हब डैम जाएंगे। आज का पूरा दिन हमने बारिश के नाम किया। नहीं नबील भाई, थद्दो डैम जो है यहाँ से काफी दूर है, पान इस बात इसके ये है कि हब डैम करीब पड़ेगा। और लेकिन अभी और हम लोग नदी में अगर रेला आ गया ना, और हम खार नदी से भी जा सकते हैं अगर रेला ना आए। रेला आ गया ना लग पता जाएगा, कलंदर को फोन करेंगे, कलेक्टर को फोन करेंगे, रस्सी बांध के रखे, और इनकी तो तारीख है कीड़ थर के पहाड़ों की। चलो बैठो नाजरीन, बरसात के मौसम में कीड़तर के ये इंतहाई खूबसूरत नज़ारे आपको ज़हनी और कल्बी सुकून देते हैं। आप देख सकते हैं ता हद निगाह काली खटाएँ छाई हुई हैं, पहाड़ों के ऊपर बरसात हो रही है, और ज़मीन पे देखें तो जगह जगह हरियाली और सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। देख के बड़ा दिल को सुकून आ रहा है, और ये सब्ज़ा आँखों को खैरा कर रहा है। बहुत मज़ेदार, बहुत यानी कि आप आप सोच नहीं सकते, शहर में रहते हुए शहर के अंदर जो गंदगी, जो गलासत, जो कालक, क्या बोलूं मैं, काला पानी की सज़ा मिली हुई हमें जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ हम रहते हैं, और उस माहौल से निकल के इस माहौल में आना सुकून का सांस आता। बारिश हो गई है, फ़ोन में रख रहा हूँ। बिलाखिर हम लोग खार सेंटर के एक पीछे वाले इलाके लूही के करीब आ चुके हैं, लूही की तरफ जा रहे हैं, और नज़ारा देखने से ताल्लुक रखता है। ता हद निगाह हरियाली है, पहाड़ हरे भरे हो चुके हैं, और वो उधर पहाड़ों के ऊपर कहीं पीछे के बादल हैं, काली घटाएं हैं, ये रही। और हाँ बिल्कुल, लूही के बाद हम हब डैम भी जाएंगे। नाजरीन आज हमने पूरा तहिया कर लिया कि चाहे रात हो जाए हम अपना मुकम्मल जो कोरम है ना वो पूरा करके निकलेंगे, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और ऐसे मौसम, सुहाने मौसम, रंगीले मौसम बार बार नहीं आते। बे इंतहा लुफ्त, बे इंतहा मज़ा। सोचें मैं, मेरा कैमरा आपको वो मनाजिर, वो चीज़ें नहीं दिखा सकता, मैं भी नहीं दिखा सकता, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मगर जो यहाँ आपका रियल एक्सपीरियंस है ना वो अनफॉर्गेटेबल है, ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। आप ये देखें, ये पीछे सोच सकते हैं कि आप कराची के कचरे के करीब एक जन्नत का टुकड़ा यहाँ पे है, तो ये है वो जन्नत का टुकड़ा जो कराची के कचरे के करीब है। कराची में कचरा फैलाया भी हम ही लोगों ने है, मैंने, आपने, यानी कि हम सब अवाम की ही गलती कोथाई और खामियां होती हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। हर चीज़ की, हर बात का इल्ज़ाम हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते, अपने भी गिरेबान में झांकना ज़रूरी है। बहरहाल यही नज़ारे आपको जो डिसलवा टाउन की पहाड़ी है, कटी पहाड़ी है, उससे मलिका जो नॉर्थ आजाबाद की औरंगी टाउन की पहाड़ी है, वहाँ पे भी इसी तरीके के नज़ारे हो सकते थे अगर उन जगहों को प्रिजर्व किया जाता, रिज़र्व रखा जाता, और खालिस जो है उसको तफरीगा के तौर के ऊपर छोड़ दिया जाता, मगर ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल वो फिर एक अलग बहस छिड़ जाएगी, उसको तो छोड़ें। आप सिर्फ यहाँ के नज़ारे देखें और सोचें कि क्या यहाँ एक्सपीरियंस हो रहा होगा, क्या एक्सपीरियंस आ रहा है, मज़ा आ रहा है। वहाँ से आधे घंटे का रास्ता है डकार से, हाँ तो तू कहाँ 15 मिनट यहाँ पे कर रहा है। चलो लुई तक तो आ ही जाएंगे, ये मुश्किल है, ये यहाँ पे आके घूम जाएंगे। और नाजरीन, रिजवान भाई, नबील भाई बाइक से गिर चुके हैं, बाइक स्लिप हो गई है, और नबील भाई का पांव साइलेंसर के तले आके बुरी तरीके से जल गया है, मगर इसके बावजूद नबील भाई ने हिम्मत नहीं हारी और सफर जारी रखा। चल गए, आखिर हम लोग लूही के मुकाम तक पहुंच गए काफ़ी देर बाद। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर सैयद सऊद अरशद साहब भी ज्वाइन करने वाले थे, बट वो बीच में कहीं गुम हो गए, इनकी बाइक में प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये अभी हम लूही के मुकाम पर आए, और यहाँ पे देखें ये किस तरीके से नदी बह रही है। मैं अभी आपको यहाँ के मनाजिर दिखाता हूँ, आपको देख कर मज़ा आ जाएगा, और बड़ी खूबसूरत जगह हुई है यार कराची के इतने करीब। थोड़ी सी हिम्मत चाहिए बस निकलने के लिए, बाकी तो बंदा पहुंच ही जाता है, और बड़े कदम जमा जमा के रखने पड़ रहे हैं, चिकनी मिट्टी का गारा है,
ये देखें, आय हाय। तो बहरहाल अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, नीचे कुछ यहाँ के मुकामी एक्सप्लोरर हैं जो यहाँ आए हैं, और ये मंज़र देखने से ताल्लुक़ रखता है। आह हा हा, क्या मंज़र है भाई, क्या ही मंज़र है, बहुत ही आला, बहुत प्यारा। घूमने आए, ये जगह देखने आए, काला पानी देख देख के परेशान हो गए थे, हमने कहा ये साफ पानी देख कर आए। नाजामाबाद पहले आए हो? हाँ हाँ। तो नाज़रीन आप देख ही रहे होंगे, हम लोग लेवी के मुकाम पे पहुँच चुके हैं। ये पीछे खार नदी है, बहुत ही प्यारी जगह है लोही। पिछली बार मैं सर्दियों में यहाँ आया था, और यहाँ से भी देखें पानी का काफ़ी तेज़ बहाव गुजरा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखिए, शायद आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, पौधे या दरख्त, ये पौधे जो हैं अपनी जगह से हटे हुए हैं। बहरहाल अभी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ ताकि आपको और मज़ीद हैरत अंगेज़ नज़ारे दिखा सकूँ। बहुत स्लिपरी हो रहा है, देखभाल के कदम जमा के रखना पड़ रहा है। मगर जो यहाँ के मनाजिर हैं बहुत ही हैरत अंगेज़ हैं। ये अभी हम ऊपर आए, नदी के मनाजिर और खार नदी के। ये लोग भी आए हैं यहाँ पे, नालो छा है, कहाँ खड़े हो साई, हटो रास्ते से। मंजर है भाई देखने वाला, लुही पर पहुंच चुके हैं, और ये खार नदी बह रही है अपनी आबो ताब से, बड़ा अनमोल नज़ारा है। हाय हाय, लुई की सैर हो गई है, अब लुई से वापस जा रहे हैं, शायद कैंप की तरफ जाएं या घर की तरफ जाएं, तो देखेंगे। मगर बहरहाल बहुत मज़ा आया, बहुत प्यारा मंज़र, और आपके सामने ये नज़ारे। हाँ,
ये नबील भाई, रिजवान भाई ऊपर आ रहे हैं, वहाँ से नीचे से आए। आपके नसीब के बकरे तैयार हो रहे हैं भाइयों, क्या नज़ारा है। कहते हैं बकरी जो है ना कांटे को सवैयों की तरह खाती है। देखें कैसे कटाकट खा रहे हैं। अभी हम इस पे हाथ रख दें और यकीन करें कि हमारा हाथ जो है लहूलुहान हो जाए, इस कदर इसमें कांटे होते हैं और बारीक कांटे होते हैं। ये देखें। चलें वापसी की तरफ निकलते हैं। लुही से निकले तो पता चला मेरी बाइक का पिछला टायर पंचर हो गया है, तो हिफाजती तौर के ऊपर मैं अपने साथ पंप रखता हूँ। मैंने पंप से हवा भरी और फिर मैं यहाँ लुही से जनई तक जो 8-9 किलोमीटर का फासला है अपनी बाइक को लेकर गया और आराम से पहुँच गया था मैं। तो जब भी आप किसी ऐसी जगह जाएँ तो अपने साथ तमाम टूल किट और तमाम इस तरीके की चीज़ें, पंप हो गया, ट्यूब हो गई एक्स्ट्रा, ले कर चलें। में जब कभी भी आप रास्ता भूल जाएँ, आपके साथ ही रास्ता भूल जाएँ, तो रास्तों पर इस तरीके की अगर मार्किंग कर देंगे ना तो उससे आपके साथियों को आप तक पहुंचने में आसानी रहेगी। तो ये इस तरीके से मार्क बना दें, ये तो इसलिए बड़ा बनाया था कि अगर कोई हमारा साथी आ रहा हो तो वो देख के रुके और वो इस रास्ते की तरफ आ जाए। शहरों में जब बाइक पंक्चर होती है तो वहाँ पे मसला ये आता है कि कील निकलती है, शीशे के टुकड़े होते हैं। यहाँ पे देखें, ये जंगल में अगर बाइक पंक्चर हो तो की करके ये मोटे मोटे कांटे होते हैं। अच्छा, आज के दिन की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि आज था मंडे, वर्किंग डे का पहला दिन, और वो तो मैं बताता हूँ। तो खैर, छुट्टी की अनाउंसमेंट हुई थी, कुछ की छुट्टी थी, कुछ की नहीं थी। कुछ ऑफिस भी जा चुके थे हमारे, रिजवान भाई ऑफिस जा चुके थे और नबील भाई भी घर पे थे, मैं भी घर पे था। मैंने बोला क्यों ना इस गोल्डन ऑफ़र से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और इस मेगा बम्पर ऑफ़र को इस इलाके में आके कैश किया जाए। और सऊद भाई और अजहर भाई जो है अभी आगे हमारा कहीं इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, नबील भाई का पाँव जल गया है, पाँव दिखाएंगे। नबील भाई कहाँ से जला है आपका? ये रहा भाई, ये देखें, ये इनका पाँव जला है, ये पूरा जो मोटरसाइकिल इनकी गिर गई थी वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लुई के मुकाम के ऊपर। तो ऐसा होता रहता है, बहुत एहतियात करें। आपने देखा कि मेरी बाइक भी पंक्चर हुई और फिर मेरे पास उसका दूसरा हल मौजूद था, अभी हम पंक्चर शॉप के करीब पंक्चर लगवाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि बादल आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये ऐसे बादल हैं कि शायद हम घर ना जा सकें, हमें यहीं पे गुजारा करना पड़े आज की रात। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा, एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और पंक्चर शॉप मिल गई है जनई के मुकाम पर और ये मोटरसाइकिल का पंक्चर लगाया जा रहा है। तो बारिश का सिलसिला है, तेज़ बारिश है और देखते हैं अभी हमारी सवारी कहाँ तक जाती है।